अच्छा, अब इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो अ पर्सन नेम्ड वोई एंड ही इज अ माइनर, वो क्या है, माइनर है। तो मिस्टर एक्स अगर अपने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं मिस्टर वोई को, जो कि क्या है, माइनर है, यानी ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इस केस में मिस्टर वोई चूंकि क्या है, ये एक माइनर है, तो ही इज नॉट लाइबल टू पे व्हाट, टू पे इनकम ब्रांसेस। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मिस्टर एक्स का कोई प्रॉपर्टी था जिसका वैल्यूएशन 1.5 करोड़ था, राइट। मिस्टर एक्स ने अपने इस प्रॉपर्टी को जिसका वैल्यूएशन 1.5 करोड़ है, इसे मिस्टर जी के पास सपोज करो मॉर्गेज के तौर पे रखा था, और इसके अगेंस्ट में उन्होंने 80 लाख का लोन लिया था, राइट। और मीनवाइल मिस्टर एक्स अपने इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, जो कि क्या है, एक माइनर है। इज ही लाइबल टू पे इनकम ब्रांसेस? नो, ही इज नॉट लाइबल टू पे इनकम ब्रांसेस बिकॉज ही इज अ माइनर, ही इज अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। अपने कल के वीडियोस में हमने ओनरस गिफ्ट क्या है उसे एकदम बेसिक वे में समझा था। आई होप कि ओनरस गिफ्ट क्या है वो आपको इस वीडियो में आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो पहले उस वीडियो को देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 127 जो ओनरस गिफ्ट को डिफाइन करते हुए उसके प्रोविजंस को होल्ड करता है, इसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 127 डिवाइड है 3 पैराग्राफ्स में, और इन्हीं तीनों पैराग्राफ्स के माध्यम से हम ओनरस गिफ्ट और उसके प्रोविजंस को समझेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओनरस गिफ्ट क्या है? ओनरस गिफ्ट अ काइंड ऑफ गिफ्ट विच इंक्लूड्स चार्जेस, जो चार्जेस इंक्लूड करता है, राइट। तो पैरा ए क्या है? वेयर अ गिफ्ट इज इन फॉर्म ऑफ सिंगल ट्रांसफर टू डोनी, जब डोनर अपने किसी प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट ट्रांसफर करता है, किसको, डोनी को, सिंगल ट्रांसफर के माध्यम से, यानी वन टाइम ट्रांसफर होता है, राइट। एंड गिफ्ट इंक्लूड्स सेवरल थिंग्स ऑफ विच वन गिफ्ट या वन प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ इनकम ब्रांचेस। देखो, जब डोनर अपने प्रॉपर्टी को गिफ्ट के माध्यम से डोनी को ट्रांसफर करता है, और वो जो गिफ्ट है इट कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स, उसमें कई सारे चीजें हैं, यानी गिफ्ट कॉम्प्राइजेस ऑफ मैनी थिंग्स। क्लियर है? और इन सभी चीजों को गिफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर कर रहा है, सिंगल ट्रांसफर, किसको, डोनी को। आगे कह रहा है ऑफ विच वन प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ इनकम ब्रांसेस, जिसमें से किसी एक प्रॉपर्टी में चार्जेस हैं, या अ प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ इनकम ब्रांसेस और चार्जेस, तो क्या होगा, देखो। तो इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो डोनर है मेकिंग गिफ्ट ऑफ हिज 3 प्रॉपर्टीज इन सिंगल ट्रांसफर, डोनर का ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, तो डोनर क्या कर रहा है, इन तीनों ही प्रॉपर्टीज को सिंगल ट्रांसफर के माध्यम से, यानी एक ही बार एज ए गिफ्ट ट्रांसफर कर रहा है, किसको, डोनी को। क्लियर? अब आगे कह रहा है ऑफ विच प्रॉपर्टी वन, ये जो प्रॉपर्टी वन है इट कंसिस्ट ऑफ इनकम ब्रांचेस, इट कंसिस्ट ऑफ चार्जेस, और प्रॉपर्टी में जो चार्जेस होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, अगेन इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, लिन, इनक्रोचमेंट और लीज, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं इनकम ब्रांचेस और चार्जेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। क्लियर है?
तो डोनर ने अपने इन तीनों प्रॉपर्टीज को सिंगल ट्रांसफर के माध्यम से डोनी को ट्रांसफर किया, जिसमें से एक प्रॉपर्टी जो है इट कंसिस्ट ऑफ एनकम्ब्रांसेस और चार्जेस। तो चार्जेस क्या है आपको समझ में आ गया है? जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज है या कोई प्रॉपर्टी लीज के तौर पे है, इट इज व्हाट, इट इज चार्ज ऑन दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है कि अगर डोनी गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है, डोनी हैविंग टू ऑप्शंस अवेलेबल, क्योंकि ये तीनों ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक ही बार हो रहा है इन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफर, राइट। तो डोनी के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, आइदर टू गिव हिज एक्सेप्टेंस और टू डिनाई इट, या तो वो अपना एक्सेप्टेंस दे दे या इसे डिनाई कर दे। ठीक है, इन केस मान लो डोनी इज एक्सेप्टिंग द गिफ्ट, इन केस डोनी इस गिफ्ट को यानी इन तीन प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट कर रहा है, ही हैव टू एक्सेप्ट गिफ्ट कंप्लीटली इंक्लूडिंग चार्जेस, तो उसे इन तीनों ही प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करना है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी वन कंसिस्ट ऑफ चार्जेस तो वो इसे डिनाई कर दे और इन दो प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों ही प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर सिंगल ट्रांजैक्शन में हो रहा है डोनर के द्वारा, तो अगर डोनी इसे एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को एक्सेप्ट करना है, यानी उस प्रॉपर्टी को भी एक्सेप्ट करना है जो कि इंक्लूड करता है चार्जेस को, ऑलराइट। अगर डिनाई कर रहा है तो कंप्लीटली डिनाई कर दे, एम आई क्लियर? चलिए, तो ये है पैरा वन। अब पैरा टू क्या कह रहा है, गिफ्ट इन फॉर्म ऑफ टू और मोर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स, यानी सपोज करो कि डोनर इज गिफ्टिंग हिज प्रॉपर्टी, सपोज करो ये एग्जांपल हम लेते हैं, डोनर अपने इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है एज अ गिफ्ट टू डोनी, दो इंडिपेंडेंट और सेपरेट ट्रांसफर्स के माध्यम से, यानी अपने अपने एक ट्रांसफर में वो प्रॉपर्टी वन को ट्रांसफर करता है और दूसरे ट्रांसफर में वो अपने इन दो प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करता है, तो दिस इज व्हाट, दीज आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स बाय डोनर टू डोनी। ठीक है, तो अगर दो सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स हैं तो कह रहे हैं इट इज अपॉन द ऑप्शन ऑफ डोनी, ये डोनी पे डिपेंड करता है, डोनी के पास लिबर्टी है, डोनी के पास फ्रीडम है, वो चाहे तो किन्हीं प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट कर सकता है और किसी प्रॉपर्टी को रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो चाहता है कि वो उस प्रॉपर्टी को रिजेक्ट कर दे विच कंसिस्ट ऑफ चार्जेस लाइक प्रॉपर्टी वन, तो ही इज फ्री, क्योंकि हियर यहां पे क्या है, दो सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स हैं, तो वो चाहे तो इन दो प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट कर सकता है और उस प्रॉपर्टी को डिनाई कर सकता है। क्लियर? चलिए, तो ये है दूसरा पैराग्राफ, गिफ्ट इन फॉर्म ऑफ टू और मोर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स, तो डोनी इज एट लिबर्टी टू एक्सेप्ट द वन एंड रिजेक्ट द अदर्स, लेकिन इन केस गिफ्ट इज इन फॉर्म ऑफ सिंगल ट्रांसफर्स तो डोनी हैव टू एक्सेप्ट द गिफ्ट कंप्लीटली और रिजेक्ट इट कंप्लीटली, या तो वो कंप्लीटली एक्सेप्ट करे इंक्लूडिंग चार्जेस या तो डिनाई कर दे। क्लियर? चलिए, अब अपने तीसरे पैराग्राफ को समझते हैं। अब कह रहे हैं मान लो इन केस ओनरस गिफ्ट मेड टू डिसक्वालिफाइड पर्सन, मान लो ओनरस गिफ्ट हम किसी डिसक्वालिफाइड पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी एक ऐसा गिफ्ट विच कंसिस्ट ऑफ चार्जेस और उस प्रॉपर्टी को हम किसे गिफ्ट दे रहे हैं, उस पर्सन को जो कि क्या है, डिसक्वालिफाइड है। नाउ जब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि टू पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बिफोर
एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले दोनों ही पार्टीज कॉम्पिटेंट होने चाहिए, यानी मस्ट बी अबव 18 इयर्स ऑफ एज, 18 साल से ऊपर होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए और मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ, किसी लॉ के द्वारा उन्हें डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट। तो दीज आर व्हाट, दीज आर थ्री ग्राउंड्स, ये तीन ग्राउंड्स हैं कॉम्पिटेंसी के। जब हम गिफ्ट के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि डोनर मस्ट होल्ड कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, डोनर जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, मस्ट नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट। लेकिन गिफ्ट के केस में जो डोनी होता है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो भी चलेगा, यानी अगर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज है तो भी वो डोनी हो सकता है, अनसाउंड माइंड का है तो भी डोनी हो सकता है। एम आई क्लियर? अब देखो, तो यहां पे कह रहा है कि सपोज करो डोनी इज नॉट लाइबल टू पे एनकम्ब्रांसेस, क्यों? क्योंकि डोनी क्या है, यहां पे डोनी एक डिसक्वालिफाइड पर्सन है, तो इनकेस अगर डोनर अपने किसी प्रॉपर्टी को एज अ गिफ्ट उस पर्सन को ट्रांसफर करता है जो कि क्या है, डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग है, इट मींस 18 साल से कम है या अनसाउंड माइंड का है या अदर जो क्राइटेरिया है उसमें अगर वो आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि ओनरस गिफ्ट ट्रांसफर किया जा रहा है, इट मींस व्हाट, इट मींस दैट गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो अगर ओनरस गिफ्ट ट्रांसफर किया जा रहा है डिसक्वालिफाइड पर्सन को तो वो लाइबल नहीं है टू पे इनकम ब्रांसेस, क्लियर? अच्छा, अब इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो अ पर्सन नेम्ड वॉई एंड ही इज अ माइनर, वो क्या है, माइनर है, तो मिस्टर एक्स अगर अपने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं मिस्टर वॉई को जो कि क्या है, माइनर है, यानी ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इस केस में मिस्टर वॉई चूंकि क्या है, ये एक माइनर है, तो ही इज नॉट लाइबल टू पे व्हाट, टू पे इनकम ब्रांसेस। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मिस्टर एक्स का कोई प्रॉपर्टी था जिसका वैल्यूएशन 1.5 करोड़ था, राइट। मिस्टर एक्स ने अपने इस प्रॉपर्टी को जिसका वैल्यूएशन 1.5 करोड़ है इसे मिस्टर जी के पास सपोज करो मॉर्गेज के तौर पे रखा था और इसके अगेंस्ट में उन्होंने 80 लाख का लोन लिया था, राइट। और मीनवाइल मिस्टर एक्स अपने इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को मिस्टर वॉय को ट्रांसफर कर दे रहे हैं जो कि क्या है, एक माइनर है, इज ही लाइबल टू पे इनकम ब्रांसेस? नो, ही इज नॉट लाइबल टू पे इनकम ब्रांसेस बिकॉज ही इज अ माइनर, ही इज अ डिसक्वालिफाइड पर्सन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। अब देखो, अब हम दूसरा सिचुएशन लेते हैं। मान लो After attaining majority, मतलब in case एक समय के बाद Mr. Boy 18 plus हो जा रहे हैं and Mr. Boy if wanted to remain as owner of such property, और ये Mr. Boy का will है कि वो उस property के owner रहें, clear? तो अब क्योंकि इन्होंने 18 years of age को cross कर लिया है, he is a major, तो जो लाइबिलिटी है टू पे इनकम ब्रांसेस विल फॉल ऑन हिम, वो उन पर फॉल करेगा, क्लियर। लेकिन 18 साल कंप्लीट होने के बाद यानी एज ऑफ मेजॉरिटी को कंप्लीट करने के बाद अगर वो इस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं रहना चाहते हैं तो इसे वो रिजेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब देखो, एक और हम सिचुएशन लेते हैं। मान लो कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन था जिसे मिस्टर एक्स ने अपने किसी ओनरस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था, तो जब तक वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है
जब तक वो अनसाउंड स्टेट में है तब तक वो इज नॉट लाइबल टू पे इनकम ब्रांसेस। लेकिन अगर वो अनसाउंड माइंड से साउंड माइंड में कन्वर्ट हो जा रहा है और वो चाहता है इस प्रॉपर्टी का ओनर रहना, तब ही इज लाइबल टू मेक पेमेंट ऑफ इनकम ब्रांसेस। ठीक है, तो आई होप कि सेक्शन 127 जो ओनरस गिफ्ट को डिफाइन करता है वो चीज आपको और इसके जो भी प्रोविजंस हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गए। देखो ऐसे नोट्स आप पेड कोर्सेज में भी जाओगे तो आपको नहीं मिलेंगे। तो एक चीज जो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू वो ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए।